2000 रुपया देंगे 18 साल के ऊपर हर लड़की को, मेरी बहन को, मेरी माँ को दे नहीं होना। सल्यूशन कर्जे नूं कटाउण दा जिहड़ा बहुत मुफ्तखोरी कर रहे हैं, किसी दिन किसी नूं इहदे ते ठल पाउणी पवेगी। जायज़ गल्लां दिओ, जिदां मैं पहलां कहा कि सोशल वेलफेयर स्कीम्स आ, बुढ़ापा पेनशन, विधवा पेनशन, इस तरह दियां कोई मसले जिहड़ियां गल्लां आपां सिर्फ वोट लैण वास्ते लोकां नूं मुफ्तखोरी दे रहे हैं और वोटर मंगदा भी नहीं गा। मैनू नहीं पता कि किसी औरत ने कहा होना केजरीवाल नूं कि मैनूं 1000 रुपया चाहिए महीने का। मैनू नहीं लगता कि किसी ने कहा कि आटा घरां दे विच मुफ्त चाहिए वा। सिमिलरली मैनू नहीं लगता कि किसी ने इस तरह की कोई, ये सिर्फ लीडर ही इन्ने कमज़ोर हो गए ने साडे सिस्टम दे विच कि उन्होंने अपने आप ते कॉन्फिडेंस नहीं गा। फिर वह स्टेट की एक्सचेकर उहदियां धज्जियां उड़ाउण दा सहारा लैके वोटां लैंदे ने, ते फिर बाद विच पूरे भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैनू नहीं लगता कि 1000 रुपया किस औरतां नूं दिता जाएगा। अगर देणगे भी उहदे च फिर 50 शर्तां रखणगे कि इहनूं पेंशन नहीं आउणी चाहीदी, इहदी उमर इहतों ज़्यादा नहीं चाहीदी, इहदे घर एसी नहीं लगा होना चाहीदा, इहदे घर गड्डी नहीं खड़ी होनी चाहीदी। पर जदों वोटां मंगणियां सी, सबको 1000 रुपया देंगे 18 साल के ऊपर हर लड़की को, मेरी बहन को, मेरी माँ को दे नहीं होना। सो किसी दिन अगर तुसीं स्टेट नूं, इकोनमी नूं रीरेल करना, जदों नूं किसी लीह ते लैके आउणा, तो यह जो मुफ्तखोरी की पॉलिटिक्स हैगी आ, इट विल हैव टू स्टॉप। नज़र ही आ रहा जी तुहाडे सामने ही आ कि किदां हैगा, मतलब इन्ने कर्जे नाल। मेरा ख्याल है अगर मैं गलत ना होवां, जिस दिन सैशन चल रहा सीगा, टीचर्स दे मैसेज आ रहे थे कि 3 महीनों की तनखा नहीं दी गई उन्होंने, 3 महीनों की मुलाजमान को तनखा। सजा वोटर्स दे ही जाते हैं टाइम टू टाइम जी, असं समझ नहीं रहे। चलो कोई नहीं, आप थोड़ा मैं तुम्हें मैंने आइडिया पूछा, मैं आइडिया दिता, इट्स नॉट दैट कि कल शुरू हो जाना, बट आइडिया यही है कि किसी दिन पंजाब नूं अगर तुम वापस लीह ते लैके आना, तो सानू आ मुफ्तखोरी की राजनीति तो बचना पड़ेगा।